कलशस्यम कोई विष्णु कंठे रुद्र समासता मूले तत स्तु ब्रह्मा मध्य मात्र प्रणाशिता कुछ तो सागरा सर्वे सप्त द्वीपाव सुंदर आदि वेदो यजुर वेदो शाम वेद अथर्व रक्षंत चतुर्थ वेद यावत चंद गृह प्रवेश हुआ है। हम फाइनली अपने बड़े घर में आ गए हैं जो आदित्य जी ने काफ़ी सालों से 15 साल बाद हम फाइनली अपने घर में आए हैं। पहले किराए के घर में रहते थे और अभी बहुत मेहनत से लोन वगैरह लेकर आदित्य जी ने ये घर लिया है, तो उसका जो है गृह प्रवेश की पूजा। और ये इसके बीच में काफ़ी सारी चीज़ें जाती हैं, मेरे और आदित्य जी के बीच में काफ़ी मन मुटाव होता है, काफ़ी रोना धोना आता है। ऐसा होता ही नहीं हमारे घर सब इंडियन घरों में कि कोई कोई फंक्शन हो और किसी का मन मुटाव ना हो, कोई कलेश ना हो। बिना कलेशों के हमारे घरों में इंडियन घरों में तो कुछ नहीं होता है, एक ना एक तो रूठता ही है और एक ना एक मचान तो होता ही है। तो वही हमारे घर में भी हो रहा है, मंगल लक्ष्मी में भी हो रहा है कि इतना बड़ा मौका है, गृह प्रवेश हो रहा है, फाइनली हम अपने घर में आ रहे हैं। साथ साथ खुशी तो है ही, साथ साथ एक कहीं ना कहीं फिक्शन भी चल रहा है, तो जो आपको जब आप देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा कि क्यों मंगल थोड़ी सी उदास है, क्यों पर मंगल क्या है कि मंगल एक ऐसा कैरेक्टर है कि चाहे उसकी लाइफ में कितना ही यू नो स्ट्रगल्स आए, प्रॉब्लम्स आए, मगर फिर भी शी कीप अ स्माइल ऑन हर फेस, क्योंकि उसके पास छोटे बच्चे हैं, वो माँ भी है, बहू है और घर में इतने सारे गेस्ट आए हैं, तो अपने एक स्ट्रॉन्ग फेस सबके सामने रखती है, एक स्माइली फेस स्ट्रॉन्ग बन के सबके सामने रहती है, किसी के सामने ऐसा बिहेव नहीं करती कि उससे आके कोई पूछे कि कुछ हुआ है क्या। तो वो मुझे इस कैरेक्टर की एक बहुत अच्छी बात लगती है, जो कि काफ़ी नेचुरल है और नेचुरल एज इन यू नो ऐसा होता है, रिलेटेबल है, नेचुरल नहीं बोलेंगे रिलेटेबल है। नेचुरल करने के लिए आपको ऑब्वियसली थॉट प्रोसेस से जाना पड़ता है, तो मैं वो काम कर रही हूँ और पर मुझे मज़ा आता है ये कैरेक्टर प्ले करने में। बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। अभी आदित्य जी फंसने ही वाले हैं क्योंकि उनका जो केटरर है वो आने वाला नहीं है और वो उनको धोखा देने वाला है, तो उसके बाद मंगल और लक्ष्मी मिलके खाना बनाती हैं। तो वो कहते हैं कि गृह लक्ष्मी हमेशा आपके साथ खड़ी होती है, तो वैसे ही मंगल भी उनके साथ बन के साथ देगी और कहीं ना कहीं आदित्य जी को भी यू नो खुशी होगी कि उनको सपोर्ट मिला, मतलब फाइनली पहली बार से मंगल का उनको हेल्प मिला, उनको तो ऐसा लगता है। तो मंगल के दर्शकों यानी कि दीपिका जी के फैंस जो उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं यही बोलूँगी कि होली आ रही है, आप सबको विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी होली और विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली और खूब अच्छे मन से होली खेले, एक दूसरे के करीब रहे, कभी मन मुटाव भी हो तो गिले शिकवे भुला दिए, फॉरगेट फॉरगिव एंड फॉरवर्ड हो जाइए, बहुत जल्दी चीज़ों को भुलाना सीखिए, बहुत जल्दी लोगों को माफ़ करना सीखिए और बहुत जल्दी ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीखिए। फॉरगेट फॉरगिव एंड फॉरवर्ड इज़ माई मंत्रा टू लीड अ लाइफ, बिकॉज देखिए कुछ भी क्लेंज करके रखने से कुछ फ़ायदा नहीं होता, तो सब चीज़ें और क्या होता है, एक टाइम होता है और समय के साथ में सब चीज़ें परिवर्तित हो जाती है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता है, नथिंग इज़ परमानेंट, तो इस बात को याद रखिए और ज़्यादा चीज़ों को सीरियसली मत लीजिए, खुश रहिए, आबाद रहिए।